असम से बड़ी खबर आ रही है। असम में एनआरसी सूची को लेकर नया विवाद सामने आया है। एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजे मेमो में कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सूची में गलत तरीके से नाम शामिल करने और बाहर करने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एनआरसी की अंतिम सूची में गलत तरीके से शामिल किए गए नामों के बारे में डिटेल मांगी है। इस बारे में एक दिन के भीतर ही जवाब भी मांगा है। मालूम हो कि राज्य में एनआरसी की फाइनल लिस्ट 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई थी। इस सूची में 19 लाख से अधिक लोगों का नाम शामिल नहीं हो पाया था। इनमें से अधिकतर हिंदू थे। राज्य एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने डिस्ट्रिक्ट डीसी से मामले को जरूरी मानकर इस पर काम करने को कहा, क्योंकि उनसे मिली जानकारी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI को सूचित करना होगा। शर्मा ने कहा है कि यह उनकी जानकारी में आया है कि 31 अगस्त 2019 को अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बाद अयोग्य व्यक्तियों के कुछ नाम, जिसमें विशेष रूप से संदिग्ध मतदाताओं, घोषित विदेशियों और उन व्यक्तियों के नाम शामिल कर लिए गए हैं जिनके मामले फॉरेन ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की एक सूची पहले ही जिला उपायुक्तों के साथ साझा की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSNSN न्यूज़।